dear students in this module we are going to see that how religion defines different religious symbols different beliefs and rituals so religious symbols are basically objects gestures or images that represent spiritual or transcendent ideas and beliefs these symbols can be highly charged and emotional such as the cross in Christianity or crescent moon in Islam and religious beliefs are cognitive frameworks and ideas that shape an individual's understanding of supernatural the divine and the meaning of life आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जब भी अपने मजबी अकायद को प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी उन प्रैक्टिस के अंदर उन बिलीव्स के रिफ्लेक्शन जिस तरह से होती है वो सिंबॉलिक होती है उसकी कोई एक्चुअल सेंस के अंदर कोई वैल्यू या यूटिलिटी शायद आपको नज़र ना आती हो मिसाल के तौर पर जब आप नमाज पढ़ते हैं आप प्रोस्टेट करते हैं सजदे की हालत में जाते हैं तो इट इज़ नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू गेन सम बेनिफिट्स फ्राम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ फिज़िकल एक्सरसाइज बल्कि आप इसको जो है वो स्परिचुअल सेंस के अंदर देखते हैं इसके मीनिंग्स जो हैं वो आप स्परिचुअली डिराइव करते हैं तो जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंस uh, होती है वो सिम्बॉलिक होती है आपके बिलीव्स की आपके रिचुअल्स की जो रिफ्लेक्शन है वो सिम्बोलिक वैल्यूज़ के तौर पर रिफ्लेक्ट होती है सो दीज बिलीव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टेक्स्ट, क्रीड्स और औरल ट्रेडिशंस एंड आफ्टन इन्वॉल्व आइडियाज़ ऑफ सेल्वेशन ट्रांसेंडेंस एंड मोरालिटी तो तीन मेजर मकासद होते हैं एक तो ये है कि आप इस इन सिंबल्स के ज़रिए जो है अपनी सेल्वेशन या अपनी निजात चाह रहे होते हैं क्योंकि Uh, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जो भी रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं मजहबी अकायद की जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका मकसद ये होता है कि हम इसके ज़रिए आख़रत में कामयाबी चाहते हैं इसी तरह से जो मोरालिटी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मजहबी अकायद जो हैं वही आपको राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन भी देते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए हमें मेहनत करनी चाहिए तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आखिर किस मकसद को अचीव करने के लिए होती हैं डेफिनेटली इनके बहुत से दुनियावी फ़वाद भी मौजूद हैं लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे कॉन्शियस में या हमारे ज़मीर में जो एक खौफ होता है वो खुदा का खौफ होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं या इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल होता है इसके ज़रिए आप वो सेंस ऑफ मोरालिटी अचीव करते हैं रिचुअल्स आर सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस और सैरमनीज़ दैट आर परफॉर्म्ड टू ऑनर और कनेक्ट विद द डिवाइन और सुपर तो अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि आपका जो है वो ख़ुदा की जात के साथ कनेक्शन बिल्ट हो और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि दीज रिलीजियस सिम्बल्स बिलीव्स एंड रिचुअल्स कैन बी यूनिफाइंग एंड डिसाइसिव शेपिंग द ग्रुप आइडेंटिटी एंड सोशल कोहिजन बट आल्सो क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स तो पाकिस्तान के अंदर जब आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं एक ही जगह के ऊपर बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं तो ये एक ग्रुप आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होती है सोशल कोहियन रिफ्लेक्ट होती है आपस का भाईचारा इससे रिफ्लेक्ट होता है इसी तरह से आप रमज़ान में देखते हैं कि बड़े मैसिव स्केल के ऊपर लोग जो हैं वो ज़क़ात देते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर ख़र्च करते हैं उनको खाना खिलाते हैं तो ये सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये आपके उसी मज़बी उसी मज़हब की सिम्बालिक रिफ्लेक्शंस होती हैं लेकिन अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि आपकी सेलवेशन और आपका ख़ुदा के साथ कनेक्शन किस तरह से बिल्ट हो सकता है तो फूड फॉर थाट फॉर यू फॉर दिस मॉड्यूल वो ये हो सकता है कि आप अपने गिर्द देखें कि कैसे लोग जो हैं अपनी डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करते वक्त डिफरेंट सिम्बल्स का सहारा लेते हैं जैसे कि क्रिस्टानिटी के अंदर जो उनका क्रॉस होता है वो एक सिम्बलिक रिफ्लेक्शन है उनकी उस रिलीजियस आइडेंटिटी की तो आप मुसलमानों के हवाले से देख सकते हैं कि इनकी जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उनकी सिंबॉलिक रिफ्लेक्शंस क्या क्या हैं